नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति कुशवाहा। आइए देखिए खबर। वन विकास निगम लाड़कुई ने ग्राम सराली बीट प्रभारी हिमांशु सिंह तोमर, रामदास सोलंकी एवं विनोद वर्मा को मुखबिर की सूचना पर एक टाटा सुमो वाहन दी। महादेव बेदरा से लावा पानी की ओर से निकलने की सूचना मिलने पर वन विकास निगम अमला तत्काल मौके पर पहुंचे और एक टाटा सुमो को आता देखा, रोक कर तलाशी ली गई, जिसमें सागौन की सिली भारी मात्रा में रखी पाई गई। वहीं वन अमले को देख चालक चलते वाहन से कूद कर फरार हो गया। वहीं वाहन गिट्टी के ढेर पर जाकर रुका और वाहन को जब्त कर सराली बीट ले आए। अज्ञात व्यक्ति ने के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। वहीं इस पूरे मामले में वन विकास निगम रेंजर दिनेश मोहरे ने जानकारी दी। सीहोर से संवाददाता दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट। मैं दिनेश मोहरे, परियोजना परिचित अधिकारी, लाड़कुई पश्चिम। सर जी, इसमें 19 लोग हैं और सागौन चलपड़ है और इसकी लगभग कीमत 50 से 55 हज़ार बाजार में। सर, गाड़ी की कीमत? गाड़ी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, तो गाड़ी काफ़ी पुरानी है। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इसमें रसद की कार्रवाई की जाएगी और मौके से हमने मोबाइल जब्त किया है, तो संबंधित जो भी अपराधी लोग हैं उन तक भी हम पहुंचेंगे, छूटशुमारी कराएंगे और संबंधित जो भी अपराधी उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे एज पर लॉ।